हेलो एवरीवन, हस्बैंड बाज़ार गया था तो उन्होंने ये साग लेके आए हैं और भी सामान लेके आए हैं, घर का रेशन वगैरह थोड़ा सा लेके आए हैं। तो अभी मैं किचन पे ये अभी मैं साग बनाऊंगी। साग मतलब ये दिव्यांशु के लिए भी बनाऊंगी, वो भी खा पाएंगे और हम भी खा पाएंगे। और सीजनल अभी जो साग नए से आए हैं मार्केट पर, तो मैं दिव्यांशु को थोड़ा सा खिलाने के लिए कोशिश करती हूँ ताकि वो अच्छा होता है। मतलब सीजनल सामान जो भी निकलते हैं ना, वो बच्चों को या बड़े को सभी लोगों को खाना ही चाहिए। तो उसके लिए मैं अभी साग बनाने की तैयारी में हूँ। तो मैंने तेल पर थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा प्याज और हल्दी अभी मैं इसमें दे दिया हूँ। अभी मैं आलू सबसे पहले फ्राई कर लूँगी, क्योंकि साग और आलू साथ में अगर देंगे तो साग जो है वो गल जाएंगे लेकिन आलू नहीं गलेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले आलू को दे दिया हूँ, उसके बाद ही मैं साग बनाऊँगी, साग को डालूँगी। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस वीडियो पर। और आज इस वीडियो पर आप लोग देखेंगे मैं सुबह 11:30 से लेकर 3 बजे या 3:30 बजे तक मैं क्या करती हूँ, वो सभी आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन आज तो मतलब ये सैटरडे का ब्लॉग है, जो मैंने पहला ब्लॉग में बोला था कि बाद का वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में डालूँगी, तो उसी का ये पार्ट है। तो ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। और वो साग लेके आया था हस्बैंड, थोड़ा सा पनीर भी लेके आया है और मैं अभी बनाऊँगी पनीर हम दोनों के लिए। और दिव्यांशु को थोड़ा सा मैं पनीर दे दूँगी एक्स्ट्रा से, क्योंकि हम जो पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे इसमें मसाला वगैरह यूज़ करेंगे तो वो दिव्यांशु नहीं खा पाएंगे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अलग से रख दूँगी। और हम लोग का साग अभी बन के रेडी होने वाला है। तो दिव्यांशु अभी सो रहा है, उस जब वो उठेंगे तो उसको खिलाना पड़ेगा। तो वीडियो को देखते रहिए, होप आप सभी लोगों को अच्छा लगेंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड के साथ मेरा चैनल को शेयर भी करिएगा, और लाइक कमेंट तो करना तो है ही, तो वो आप लोग करिएगा। तो वीडियो को देखते रहिए बिना स्किप किए हुए। तो अभी मैं पनीर को छोटा छोटा पीस करके काटूंगी। और मेरा जो बेटा है वो मेरे पास ही है, मैं अभी जो वॉइस ओवर दे रही हूँ उसका आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हैं, मुझे बहुत ही दिक्कत होता है। तो इसके लिए मुझे वीडियो देना कभी कभी मैं लेट हो जाती हूँ, क्योंकि टाइम मैनेज ही नहीं कर पाती हूँ। और अभी देखिए ये कैसे है मेरे साथ, मतलब खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अभी मैं पनीर को छोटा छोटा पीस करके काटूंगी, उसके बाद मैं पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए रेडी हो जाऊंगी। और दिव्यांशु को नहलाना भी पड़ेगा, तो आप लोग देखते रहिए मेरी वीडियो को।
अभी मैं गर्म पानी कर रही हूँ, दिव्यांशु को नहलाना है। और जो सब्जी है उसमें मैंने पानी डाल दिया हूँ, गैस का फ्लेम को कम करके रख दिया हूँ। वो हो जाएंगे दिव्यांशु जब तक आएंगे नहा के। और अभी मैं इसको टॉवल के साथ पैक करके लाई हूँ, क्योंकि बाहर थोड़ा सा हवा चल रहा है ना, तो मैं जल्दी जल्दी उसको साफ करके अंदर ले आई हूँ। और अभी इसको मैं कपड़ा पहना दूंगी और क्रीम वगैरह भी लगा दूंगी। और जो पहले पहन के रखा था वो कपड़ा मैं कल दूंगी, क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं मिलेगी। और ये देखिए बैकग्राउंड पे पापा के साथ खेल रहे हैं, कितना हंस रहे हैं वो। और अभी हमें इसको पाउडर वगैरह लगा रही हूँ। इतना आसान नहीं होता है घर का काम करना, बच्चा संभालना, खाना बनाना, जो लोग करते हैं ना वही लोग ही जानते हैं। और लेकिन क्या करे, करना तो पड़ेगा। मैं वैसे ही टाइम मैनेज कर लेती हूँ। और वैसे तो हम यहाँ पे मैं और मेरी हस्बैंड ही रहते हैं, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लेती हूँ। और अभी तो यही तो टाइम है बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बाद में बड़ा होके क्या होगा वो तो कोई भी नहीं जानता है, तो उसके लिए मैं जितना हो सके इसके साथ ही रहने की कोशिश करती हूँ दिव्यांशु के साथ। लेकिन सैटरडे और संडे ज़्यादातर वो पापा के साथ रहता है। और क्योंकि पापा बाकी टाइम तो उसका पापा तो काम पर बिजी रहता है ना, तो उसके लिए टाइम नहीं मिलता है दिन भर में, तो इसके लिए सैटरडे और संडे का फुल टाइम पापा के साथ ही रहता है। और इसका कपड़ा वगैरह चेंज करके मेरा हो चुका है, बस पैंट पहनाना बाकी है। और अभी इसको मुझे खिलाना भी पड़ेगा, उसके बाद मैं हस्बैंड का खाना हस्बैंड को दूंगी खाने के लिए, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। तब तक आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। हाँ निकल दीजिए, निकल दीजिए।
रे रे सा कोई नहीं गाइस, मैं खाना बना लिया हूँ तो मैं दिव्यांशु को खिला दिया हूँ उसका खाना। और अभी हस्बैंड खा रहे हैं पनीर की सब्जी हम लोगों के लिए बनाई तो। और इसके लिए थोड़ा पनीर एक्स्ट्रा से मैंने फ्राई करके इसको दे दिया था खाने के लिए दिव्यांशु को। तो हस्बैंड का खाने के बाद मैं जाऊंगी खाना खाने के लिए और उसके बाद मुझे फिर से रूम का साफ सफाई करना पड़ेगा। तो चारों तरफ बिस्तर बिखरा पड़ा है, वो तो होंगे ही जिसके घर पे छोटा बच्चा रहेंगे तो वो डेफिनेटली होता है। तो उसके बाद मुझे साफ सफाई वगैरह भी करना पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, सभी लोगों को अच्छा लगेगा। पापा। फाइनली अभी खाना खाने का बारी मेरी आ चुकी है। दिव्यांशु का पापा ने खाना खा लिया, दिव्यांशु को भी मैंने खिला दिया हूँ तो अभी मैं आराम से खाना खाऊंगी। उसके बाद मुझे बर्तन वगैरह मांजना पड़ेगा। तो यही तक था आज का वीडियो। बाकी जो मेरा एकदम इवनिंग का जो 6 बजे से रात 10 बजे तक का जो मेरा शिफ्ट है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट पे दिखाऊंगी। तो अभी मैं खाना खा के बर्तन वगैरह मांज के बर्तन वगैरह धो के साफ सफाई करके थोड़ा सा सो जाऊंगी, रेस्ट करूंगी। उसके बाद उठने के बाद मुझे फिर से काम पर लग जाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।